अस्सलाम सलाम स्टेडेंट बिल्डर्स से मैं हूँ अमीर माविया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जीशान गोरी साहब जो कि सलाम स्टेडेंट बिल्डर्स के सीनियर रियलेटर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे प्रीसेंट 61 और 62 और बेरी ग्रीन्स के हवाले से कि आजकल दिन ब दिन इनके रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर ऑन क्यों बढ़ रहा है। तो जीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा जीशान भाई, ये हम देख रहे हैं प्रीसेंट 61 और 62 को और एज वेल एज बेरिया ग्रीन को भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन इन पे ऑन बढ़ता जा रहा है, और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इतना ऑन? एक्चुअली अमीर भाभी, आपको मैं बताता चलूँ कि पहले तो आपको ये मालूम होगा कि आज से 6 माह पहले ये किसी भी किस्म की मार्केट नहीं थी। इवन कि अगर 3 माह पहले भी अगर हम चले जाएँ तो बहरिया ग्रीन्स और प्रीसेंट 61, 62 और 63 की फाइल्स भी आपको 8 लाख में मिलती होती, ठीक है, और ग्रीन्स का भी इसी तरह था। ग्रीन्स बल्कि 2 लाख रुपए माइनस में भी आपको मिल जाता था, लेकिन अब आप देखते हैं तो प्रीसेंट 61, 62, 63 जो हैं, 61 की अगर हम बात करें तो 22, 23, 24 लाख तक की भी उसकी फ़ाइल है। अगर हम बात करते हैं प्रीसेंट 62 की, 61 की मैंने बताया, 62 की अगर हम बात करें तो उससे कम से कम आप उसको 3 लाख या 2 लाख रुपए कम कर लें, और अगर हम 63 की बात करें तो मज़ीद उससे 2 लाख और कम कर लें। तो इस तरह से 16 से लेके 23 तक के इनके तीनों के रेट्स हो गए हैं। अच्छा, अब हम ग्रीन्स की अगर बात करते हैं कि ग्रीन्स की जो है मार्केट अब क्या है, तो पहले 2 लाख रुपए इसका ऑन था 3 माह पीछे अगर हम जाएँ तो, माइनस सॉरी था, और अब जो है उस पर तकरीबन 2.5-3 लाख से स्टार्ट होकर और 7 लाख तक भी ऑन चला गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेन इशू ये है कि हमारा जो टॉपिक भी वो यही है कि वो अब यानी इतनी तेज़ है क्यों, यहाँ पर परचेजिंग हो रही है और जो है इस पर इतना ऑन क्यों तेज़ है गया। अच्छा, अगर आप देखें 6 महीने पहले अगर हम जाते हैं तो फिर आप 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स को देखते हैं तो उनकी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 18 लाख 17 लाख 20 लाख इतने हमें मिल जाया करते थे, और अब अगर हम बात करें तो वही तकरीबन 100% प्लस हो गए हैं। अब कोई भी 125 स्क्वायर यार्ड्स का ऐसा कोई प्लॉट नहीं है जो आपको मिनिमम यानी 40 लाख से भी कम में मिल जाए, ऐसा नहीं है, 40 प्लस ही हैं। तो अब जब क्योंकि हर एक मिडिल क्लास तबका भी है, इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जिनकी जो भी जमा पूंजी है वो चाहते हैं कि चलें हम ऐसे बैरियर की बाउंड्री के अंदर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें और हमें भी कुछ हासिल हो सके, या एज एंड यूज़र भी हम बात कर लें, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाते थे वो 2 ही ऑप्शंस थे जो कि माइनस में थे। जब उस तरफ आए, हम लोगों ने माइनस को परचेस करना शुरू किया क्योंकि वो सबकी उसमें बजट में आ रहे थे, चाहे वो ट्रेडर्स हों या फिर इन्वेस्टर्स हों या एंड यूज़र हों, तो उन्होंने इसको परचेस करना शुरू किया और ये तेज़ी से मार्केट इसकी बढ़ती चली गई। अच्छा, उसके अंदर भी अगर हम ये देखें कि क्यों उसी को क्यों उन्होंने परचेस किया, तो उसके अंदर देखें आपको प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर बहरे ग्रीन्स में जाते हैं तो है वो 75 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट, लेकिन उसके अंदर आपको बेनिफिट ये है कि आप जो है ग्राउंड प्लस 2 आपको अप्रूवल है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि बहरिया में कहीं और नहीं है सिवाय 61, 62, 63 की अगर हम बात करें, या हम बहरिया ग्रीन्स की बात करें तो यहाँ ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल है, अदरवाइज पूरे बहरिया में बहरिया ने अपने भी जो होम्स बनाए हैं वो भी जो है ग्राउंड प्लस 1 है, वो भी 2 नहीं है। तो एक अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपको अच्छी मिल जाती है, फिर ऐसी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं बहरिया में इन्वेस्टमेंट की अब नहीं रही कि जो कि बहरिया की बाउंड्री में आती हो और इतने कम प्राइस में मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बीच में हमने ये भी देखा था कि ग्रीन्स की और प्रीसेंट 61 और 62 पे काफ़ी ज़्यादा ऑन चढ़ा, उसके बाद एकदम ही वो फिर माइनस में चले गए और लेवल पर आ चुके थे, तो इसकी क्या वजूहत थी और क्या आइंदा या आगे जो मंथ आएंगे, आगे दिन आएंगे, क्या उसमें भी ऐसी प्राइसेस इनकी कम होंगी, क्यों कोई चांसेस हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि पिछले एकदम से इसकी एक लहर चली थी जिसे कह रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल लहर जिसे कह सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल लहर ये जो नेचुरल लहर बन जाती है, लेट सपोज कि अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो वो परचेजिंग जब कर रहे होते हैं प्लॉट्स की, तो वो बेसिकली प्लॉट्स की वो 1-2 प्लॉट्स की नहीं कर रहे होते, वो करते हैं काउंट, मतलब उनके नंबर्स में है उनकी जो है जो प्लॉट की परचेजिंग है। अच्छा, वो होता यही है कि वो परचेजिंग करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, तो फिर वो बेचकर एंड यूज़र को चले जाते हैं। लेकिन इसी दौर में अगर आप देखें कि जब जो ट्रेडिंग के लिए लोग आते हैं, इसी दौरान में एंड यूज़र भी आ जाता है, जब एंड यूज़र उसकी बाइंग करता है तो वही आर्टिफिशियल लहर जो होती है वो आपकी नेचुरल लहर बन जाती है। इस वजह से मार्केट अप एंड डाउन लेती है, लेकिन जब एंड यूज़र वहाँ आ जाता है तो फिर आपको पता है मार्केट फिर नेचुरल हो जाती है और वो फिर अपनी एक सही सिंथ में चलने लगती है। तो ऐसे ही हुआ, फिर डाउन हुआ, लेवल पे आया और फिर देखें फिर इंक्रीज़ हो गया। जी बिल्कुल। और जब वो इंक्रीज़ हुआ तो अब देखिए ना, दूसरे ऑप्शन अब
रह नहीं जाते हमारे पास। अगर 40 लाख की हम बात करें तो मिनिमम भी प्लॉट आपको 40 लाख से स्टार्ट मिलता है, तो दूसरे कोई ऑप्शंस ही नहीं बचे। अब जो ऑप्शंस बचे हैं वो 61, 2, 3 इसकी बात कर लें, या आप बात कर लें कि बहरिया ग्रीन्स में ये ऑप्शंस रह जाते हैं, तो इसमें हर किस्म का जिसे कहते हैं इन्वेस्टर कह लें, या जिसका बजट है या वो मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक रखता हो, तो इसको ईजी जो है वो हासिल कर सकता है। और प्लस ये कि ग्रीन्स की अगर हम बात करें तो वो मज़ीद इंस्टॉलमेंट पर भी कर सकता है, कुछ अमाउंट दे के आप इंस्टॉलमेंट पर हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि किस तरह ब्रेक ग्रीन्स और पिशन 61 और 62 की मार्केट इंक्रीज हुई, फिर लेवल पे आई और क्या किस वजवात से आई। तो थैंक यू जिशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगले और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके कोई भी क्यूरी हो आपकी हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।